हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग अपने नए वीडियो में फ्रिक्शन, डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे बाय पॉलिशिंग सरफेसेस। मतलब कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसे हम फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। पहला फॉर्मूला है, मतलब पहला उसका यूज़ है बाय पॉलिशिंग सरफेस। किसी भी रफ सरफेस पे फ्रिक्शन जो होता है वो हायर होता है, तो हम सारे रफ सरफेस को पॉलिश करके उसको स्मूथ बना सकते हैं और उस पर जो टीला होता है, गड्ढा होता है, उसे हटा के उसे स्मूथ कर सकते हैं ताकि फ्रिक्शन कमे, उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन ना अप्लाई हो। दूसरा है बाय स्ट्रीम लाइनिंग अ बॉडी ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी को स्ट्रीम लाइनिंग शेप करने में फ्रिक्शन भी रिड्यूस होता है। जैसे कि प्रॉपरली शेप्ड बॉडीज़ एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन फ्रॉम एयर और वाटर। बॉडीज़ ऑफ एरोप्लेन्स, रॉकेट, सीप ETC, जैसे कि एरोप्लेन, रॉकेट, सीप या चिड़िया का बॉडी, ये सब का बॉडी जो होता है वो एयर या वाटर, मतलब सारे चीज़ में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसके कारण वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और उनका बॉडी इसीलिए स्ट्रीमलाइंड बनाया गया है। और मछलियों का भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो पानी में आराम से तैर सके और उनमें फ्रिक्शन अप्लाई ना हो, ताकि वो आराम से तैर सके। और एक और तरीका है व्हील्स, जो चक्के होते हैं वो भी मदद करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। ए सूटकेस फिल्ड विथ व्हील्स, इट इज़ ईजियर टू मूव इट बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड ग्राउंड इज लेस। अगर मान लीजिए कोई भी सूटकेस है, उसमें अगर चक्का नहीं है तो उसको खींचने में जितना ताकत लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा ही ताकत लगेगा, और अगर उसमें व्हील लगा दिया जाए तो सारा फ्रिक्शन जो होता है वो लो हो जाता है, तो ईज़िली जो फ्रिक्शन व्हील के कारण बहुत लो हो जाता है और ईज़िली वो सूटकेस ट्रेवल कर जाता है। और बॉल बियरिंग्स, इनके कारण भी फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। ये बहुत अलग अलग डिज़ाइन में बनाए जाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इसमें फ्रिक्शन इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर होता है। तो बॉल बियरिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर बॉल बियरिंग नहीं रहेगा तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा, अगर बॉल बियरिंग लगा दिए तो रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा। और हम लोग जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम, मतलब कि कम पावर होता है, जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट करिए हमारे चैनल में, इससे पिछला वाला वीडियो, फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। और आगे है दिस बियरिंग ऑल्सो लुब्रिकेटेड फॉर फर्दर इम्प्रूविंग देयर फंक्शन। और इनके फंक्शन और ज़्यादा रिड्यूस, मतलब कि फ्रिक्शन को और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए इसे लुब्रिकेट किया जाता है। और अंतिम हमारा यूज़ है बाई यूजिंग फाइन पाउडर्स, को यूज़ करके। ग्राफाइट इज़ ए वेरी सॉफ्ट सॉलिड विच कैन बी ग्राउंड टू बी ए वेरी फाइन स्टेट। ग्राफाइट एक सॉलिड स्टेट में पाया गया पदार्थ है जो फाइन पाउडर के स्टेट में भी पीसा जा सकता है या बनाया जा सकता है। ये एक लुब्रिकेंट के तरह ही यूज़ होता है जो मशीन के पार्ट्स में डाला जाता है, जहाँ पर हम ऑयल नहीं डाल सकते हैं, जिसके कारण वह रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। इट फिल्स अप इरेगुलरिटीज बिटवीन सरफेस, जो रफ होता है सरफेस उसका इरेगुलरिटी ये भर के उसको स्मूथ बना देता है, जिसके कारण सरफेस स्मूथ होने के कारण रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन। सिमिलरली फाइनली पाउडर टेलकम इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। टेलकम जो होता है वो भी लुब्रिकेंट की तरफ यूज होता है, जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल के लिए वी स्प्रेड इट ऑन अ कैरम बोर्ड सो एज़ टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन कैरम बोर्ड एंड क्वाइंस। कैरम बोर्ड में हम जब भी खेलते हैं तो अधिकतर टेलकम पाउडर जो आता है वो हम कैरम बोर्ड पे डालते हैं, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है कैरम बोर्ड और क्वाइंस के बीच में, ताकि वो हम ईजिली उसका स्ट्राइक और ट्रेवल कर सकें और क्वाइंस ट्रेवल कर सकें, जिससे फ्रिक्शन उन पर कम ही अप्लाई हो और वो ईजिली प्ले हो सके, हम लोग खेल सके कैरम बोर्ड। तो हम लोग इस वीडियो में डिक्रीजिंग फ्रिक्शन के रिड्यूस कैसे करते हैं वो जाने, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन को बढ़ाएं कैसे, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन जानेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ, बाय।
स्टे होम स्टे सेफ, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।